Audio Jungle. नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में 3 दिन रहेंगे, जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिनों तक राज्य की उप राजधानी दुमका में रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुलाकात के साथ साथ परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे और फिर बुधवार को वापस राजधानी रांची वापस लौट जाएंगे। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि दुमका विधानसभा सीट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छोड़ने से खाली हुई है। सीएम ने बरहेट व दुमका से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, इसके बाद इन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। इस बार दोबारा जीत दर्ज करने की कवायद तेज कर दी गई है। झामुमो ने पूरी ताकत झोंक दी है, ये सीट झामुमो का प्रभाव वाला रहा है। 5 दिन के बाद स्कूल खुलने की झारखंड में चल रही है तैयारी, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। कोरोना काल के बीच 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोविड 19 के संक्रमण के कारण मार्च से ही देश भर के स्कूल बंद हैं। देश में कोरोना केस 39 लाख के पार चले गए हैं और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने की छूट दे दी है। अब देखना यह है कि स्कूल जब खुलेंगे तो क्या किस प्रकार की दिक्कत होगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी कर दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम नजर आ रहे हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा की है, लेकिन केरल जैसे कई राज्य कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भी संकोच में है। ऐसा करना कहीं खतरनाक तो साबित नहीं होगा। झारखंड सरकार ने केंद्र गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या में रहा इजाफा सोमवार को, लेकिन वहीं पर सोमवार को राज्य में 1263 नए कोरोना संक्रमित मिले भी हैं। झारखंड में सोमवार को 1529 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। झारखंड में सोमवार को 1529 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में 48112 नए कोरोना को मात दे दी है। सोमवार को ठीक हुए लोगों में बोकारो जिला में 89, देवघर में 63, धनबाद में 31, दुमका में 26, पूर्वी सिंहभूम में 419, गढ़वा में 37, गिरिडीह में 111, गोड्डा में 9, गुमला में 69, हजारीबाग में 36, जमतारा में 10, खुट्टी में 12, कोडरमा में 42, लातेहार में 34, लोहरदगा में 2, पलामू में 55, रामगढ़ में 64, रांची में 332, सरायकेला में 20, सिमडेगा में 11 और पश्चिम सिंहभूम जिला में 57 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं पर नए कोरोना से संक्रमित लोग भी मिले हैं, उसमें से 1263 लोग नए संक्रमित मिले हैं। इसके तहत बोकारो जिला में 65, चतरा में 40, देवघर में 106, धनबाद में 54, दुमका में 11, पूर्वी सिंहभूम में 151, गढ़वा में 73, गिरिडीह में 107, गोड्डा में 28, गुमला में 46, हजारीबाग में 31, जमतारा में 2, खुंटी में 14, कोडरमा में 9, लातेहार में 27, लोहरदगा में 14, पाकुड़ में 2, पलामू में 26, रामगढ़ में 99, रांची में 263, साहिबगंज में 9, सरायकेला में 33, सिमडेगा में 11 और पश्चिम सिंहभूम जिला में 42 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। लातेहार में पानी की तेज धार में बहे पलामू के 3 लड़के, एक का शव बरामद कर लिया गया है। लातेहार में कैसे हुआ ये बड़ा हादसा, जानिए पूरा विवरण। लातेहार जिले के बरवाडीह केचकी संगम तट पर बड़ा हादसा हुआ है। इसमें पलामू जिले के मेदनी नगर के रहने वाले 3 लड़के नहाने के दौरान पानी की तेज धार में बह गए। इस हादसे में 1 लड़के का शव बरामद कर लिया गया है, 2 अन्य शवों की तलाश की जा रही है। लातेहार और पलामू की सीमा पर स्थित केचकी संगम तट पर पलामू जिले के मेदनी नगर से ये लड़के आए थे। यहाँ कोयल नदी और औरंगा नदी का संगम है। आज सुबह मेदनी नगर के 7 युवक संगम में नहाने आए थे। संगम के पास 4 लड़के तैरकर निकल गए, जबकि 3 लड़के पानी की तेज धार में बह गए। इसके बाद इनकी खोजबीन की जाने लगी। दुमका में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मजदूरों से घूमता है देश का आर्थिक पहिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम उपराजधानी दुमका पहुंचे। यहां राजभवन में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद में श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड मजदूर प्रधान राज्य है, यहां के मजदूरों से ही देश का आर्थिक पहिया घूमता है। लॉकडाउन के दौरान यहाँ के मजदूरों को देश में कैसे दुत्कारा खेदारा गया वह किसी से छिपा नहीं है। उस वक्त झारखंड सरकार अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज के जरिए वापस लेकर आई है। आज स्थिति यह है कि उन्हीं मजदूरों को 6 महीने का एडवांस देकर हवाई जहाज से ले भी जाया गया है यहाँ से। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भारत सरकार ने पत्र देकर कहा है उन्हें 35,000 मजदूर और चाहिए, उनके लिए ट्रेन भेजने की बात कही है। राज्य सरकार अप्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत 3-3 योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। वहीं शहरी मजदूरों को भी 100 दिनों तक रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से चलेगा, आज से कोरोना जांच, जानिए क्या है पूरा गाइडलाइन। कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत मानसून सत्र में भाग लेने के लिए कोरोना जांच करना अनिवार्य है।
रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही विधायक मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। इसके लिए आज से कोरोना की जांच शुरू हो रही है। रांची जिला प्रशासन ने कल रविवार को इस संदर्भ में बैठक की और इसके लिए रणनीति बनाई। जाने झारखंड में आज का मौसम। झारखंड में आज मानसून कमजोर रहेगा। स्काई मेट वेदर रिपोर्ट की माने तो हल्की वर्षा से ज्यादा यहाँ होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड में धूप खिली हुई है। आज देश भर में मौसम कैसा रहेगा? बंगाल की खाड़ी में बना नया निम्न दाब का क्षेत्र आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके कारण उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश जोरदार बारिश होगी। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड, असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है।